हेलो बच्चों, एज़ यू नो दैट वी हैव कम्प्लीटेड चैप्टर 5 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स इन आर क्लास वर्क कॉपीज़ एंड नाउ वी हैव टू राइट द एक्सरसाइजेस इन होमवर्क कॉपीज़। सो वन बाय वन विल डू द क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स और बेसिस में क्या डिफरेंस है? तो बच्चों, हम ये काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं अभी तक कि एसिड्स जो हैं दे आर सार इन टेस्ट, बेसिस आर बिटर। एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं जबकि बेसिस जो हैं वो रेड लिटमस को ब्लू करते हैं। एसिड्स जो हैं वो टर्मरिक के कलर को चेंज नहीं करते हैं और बेसिस टर्मरिक के कलर को रेड कर देते हैं। ओके चिल्ड्रन, नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। अमोनिया इज़ फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स सच एज़ विंडो क्लीनर्स। इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, रेड को ब्लू कर देती है। तो आपको उसका नेचर पूछा गया है। द आंसर इज़ बेसिक इन नेचर। इसका आंसर क्या है? अमोनिया इज़ बेसिक इन नेचर। उसके बाद आपको थर्ड क्वेश्चन में लिटमस सोल्यूशन का सोर्स पूछा गया है। वॉट इज़ द सोर्स ऑफ लिटमस सोल्यूशन चिल्ड्रन? एज ऑल ऑफ यू नो, वी हैव ऑल्सो ड्रू द पिक्चर इन द कॉपीज। लिटमस सोल्यूशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस, ओके, एंड इट इज़ यूज एज अ नेचुरल इंडिकेटर। देन वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। इज़ द डिस्टिल वाटर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल? मैनी ऑफ यू नो द आंसर दैट डिस्टिल वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर, क्योंकि वो ना तो रेड लिटमस को ब्लू करता है और ना ही ब्लू लिटमस को रेड करता है, यानी कि लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होता। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 चिल्ड्रेन, आपको मैंने हमेशा ही बताया है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में ज़रूर पूछी जाती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज़ अ रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस, और इसमें हमको मिलता है सॉल्ट और वाटर, साथ में कुछ हीट भी रिलीज होती है। इक्वेशन आप देख सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl गिव्स राइज टू NaCl प्लस H2O प्लस हीट। इसमें NaOH जो है वो बेस है, HCl एसिड है, NaCl सॉल्ट है। ठीक, नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कि ट्रू एंड फॉल्स आपसे पूछे गए हैं। पहला है नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, और अभी तक आप जान चुके हैं कि जो रेड को ब्लू करते हैं वो एसिड होते हैं या बेस होते हैं। जो रेड को ब्लू करते हैं वो बेस होते हैं, लेकिन इसमें लिखा है कि नाइट्रिक एसिड रेड को ब्लू कर रहा है जबकि वो एसिड है, तो द स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग या फॉल्स। ठीक, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। आपको सभी को मालूम है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो बेस है, तो क्या वो ब्लू को रेड करेगा? नहीं, वो तो रेड को ब्लू करता है, इसीलिए इसका आंसर भी फॉल्स होगा। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पर बेस्ड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, सो दिस इज़ वेरी ट्रू। इंडिकेटर द नेक्स्ट इज, इंडिकेटर इज़ अ सब्सटेंस विच शोज डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन। इंडिकेटर वो है जो एसिड और बेसिक मीडियम में अलग अलग कलर देता है। तो आप क्या बोलेंगे? येस, इट इज़ ट्रू। टूथ डिके इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। क्या हमारा टूथ डिके जो है, मतलब दांत ख़राब हो जाते हैं, वो किसी बेस की वजह से होते हैं? नहीं, हम जो खाना खाते हैं उसके पार्टिकल्स हमारे दांतों में फंसे रह जाते हैं, वो एसिड बनाते हैं और उसकी वजह से हमारा टूथ डिके होता है। जबकि यहाँ लिखा हुआ है इज़ कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ बेस, सो द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। उसके बाद बेटा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें डोरजी है, डोरजी एक पर्सन का नाम है। उसके पास सॉफ्ट ड्रिंक्स की कुछ बॉटल्स हैं जिस पे कि लेबल नहीं लगा हुआ है कि कौन सी जो कोल्ड ड्रिंक है वो एसिडिक है, कौन सी बेसिक है और कौन सी न्यूट्रल है। तो डोरजी कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी ड्रिंक उनको किसको देनी है? ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पता है कि आप कैसे टेस्ट करते हैं, एसिड को कैसे टेस्ट करते हैं, बेस को कैसे टेस्ट करते हैं। आपको पता है कि एसिडिक सॉल्यूशन सार होता है, बेसिक सॉल्यूशन बिटर होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन में कोई टेस्ट नहीं होता। तो डोरजी टेस्ट करके बता सकते हैं
कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है और कौन सा न्यूट्रल है। टेस्ट करने के अलावा बच्चों, आप सभी को मालूम है कि वो लिटमस पेपर को भी यूज़ कर सकते हैं। सो अलॉन्ग विथ टेस्टिंग, डोर्जी कैन यूज़ लिटमस पेपर टू टेस्ट द नेचर ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। और लिटमस पेपर की सहायता से वो पता लगा सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन या कौन सा कोल्ड ड्रिंक कैसा है। ठीक, तो ये इसमें पूरा सॉल्यूशन में लिखा हुआ है, दिस इज़ द आंसर। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 8। यदि हम एंटा एसिड टैबलेट लेते हैं तो एसिडिटी हमारी ख़त्म हो जाती है, तो एंटा एसिड टैबलेट में ऐसा क्या होता होगा? आपको मैंने टेक्स्ट एक्सप्लेन करते हुए भी बताया था बेटा कि यदि हमारे पेट में एसिड बढ़ जाता है तो उसको न्यूट्रलाइज़ करना पड़ेगा, और न्यूट्रलाइज़ किससे करेंगे? हम किसी बेस से करेंगे। तो जो एंटा एसिड टैबलेट है उसमें एक्चुअली एक बेस होता है जिसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और वो हमारे पेट में बने हुए एसिड को न्यूट्रलाइज़ कर देता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, कैलामाइन सॉल्यूशन इज़ अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन आंट बाइट्स। आपको पता है आंट में फॉर्मिक एसिड होता है, जब आंट बाइट करती है तो वो फॉर्मिक एसिड जो है वो हमारी बॉडी में चला जाता है, स्किन में चला जाता है। उसको कैलामाइन यदि लगाया जाए उस पर तो उससे जो इरिटेशन है वो ख़त्म हो जाती है। क्यों ख़त्म हो जाती है? क्योंकि जो कैलामाइन है उसका नेचर बेसिक है। तो ये आंसर आपको कॉपी में लिखना है बच्चों। उसके बाद जो थर्ड है, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि फैक्ट्री का जो वेस्ट, जिसको कि पानी में मिला दिया जाता है, वाटर बॉडीज़ में मिला दिया जाता है, उसको न्यूट्रलाइज़ करना क्यों ज़रूरी है? तो फैक्ट्री का जो वेस्ट है वो एसिडिक होता है, और उससे पानी में रहने वाले जो एनिमल्स हैं, फिशेज हैं, उनको नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए इसको पहले न्यूट्रलाइज़ करना ज़रूरी होता है, और इसको न्यूट्रलाइज़ किसी बेस के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बताया गया है कि आपके पास 3 लिक्विड्स हैं, जिसमें एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड है और तीसरा शुगर है। तो आप टर्मरिक इंडिकेटर से उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बच्चों, आपको मालूम है कि टर्मरिक का जो कलर है वो एसिड चेंज नहीं करता, लेकिन बेस जो है वो टर्मरिक को रेड कर देता है, और जो न्यूट्रल सॉल्यूशन है वो कुछ चेंज नहीं करेगा। तो इस बेसिस पर हम तीनों ही सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कौन सा NaOH है और कौन शुगर सॉल्यूशन है। ठीक है, नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 10। ब्लू लिटमस पेपर इज़ डिप्ड इन अ सॉल्यूशन। ब्लू लिटमस पेपर को एक सॉल्यूशन में डाला गया है और वो ब्लू ही रहता है, तो बताओ उसका नेचर क्या होगा? बेटा, यदि उसमें ब्लू लिटमस पेपर को यदि आप एसिड में डालते तो वो रेड हो जाता है ना, लेकिन यहाँ रेड नहीं हुआ, ब्लू का ब्लू ही रहा। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि वो सॉल्यूशन न्यूट्रल हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो बेस हो। तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि या तो वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है या फिर वो एक बेसिक सॉल्यूशन है। उसके बाद आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हैं बच्चों, और आपको उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो फाइंड आउट करना है। बोथ एसिड्स एंड बेसिस चेंज कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स, पहला ऑप्शन है। दूसरा, इफ़ एन इंडिकेटर गिव्स अ कलर चेंज विथ एन एसिड, इट डज नॉट गिव अ चेंज विथ अ बेस। सी ऑप्शन है, इफ़ एन इंडिकेटर चेंजेस कलर विथ अ बेस, इट डज नॉट चेंज कलर विथ एन एसिड। और फोर्थ ऑप्शन है, चेंज ऑफ कलर इन एन एसिड एंड अ बेस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इंडिकेटर। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बच्चों? इसका आंसर है ओनली डी इज़ करेक्ट। जो डी ऑप्शन है उसको आप ध्यान से पढ़िए, चेंज ऑफ कलर इन एन एसिड एंड अ बेस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द इंडिकेटर। ये इंडिकेटर के टाइप पर डिपेंड करता है कि कलर क्या होगा, रेड होगा, ब्लू होगा, या जो भी कलर कैसा चेंज होगा, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द इंडिकेटर। So this is all about the exercises of chapter 5, children. These all exercises you have to write in your homework copies. Okay, children? Thank you so much.